एवरीवन, आई एम कोमल तिवारी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फनी होने वाला है। बिकॉज आज के वीडियो में ना, टुडे आई एम गोइंग टू प्रैंक ऑन दादी। आज मैं अपनी दादी के साथ प्रैंक करने वाली हूँ और देखते हैं कि ये मेरा मिशन पूरा हो पाता है या नहीं। सो गाइस, आज मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं अपनी दादी को कॉल करूँगी और वो भी जो है अपने ही फ़ोन से कॉल करूँगी। बट मैंने अपनी दादी के नंबर में अपना ही नाम चेंज कर दिया है और जो उनकी गांव की बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उनका नाम वहां पर सेव कर दिया है। तो अब मैं अपने कॉल से उन्हें कॉल करूँगी और फिर उन्हें उनके साथ मैं प्रैंक करने वाली हूँ। और आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि ये प्रैंक पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। गाइस, मैं क्या करूँगी, अभी मैं जा रही हूँ दादी को कॉल करने। आगे की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या रिएक्शन होता है। बिकॉज पहले बता दूंगी तो सस्पेंस नहीं रहेगा। आप लोग भी देखिएगा एंड तक, क्या है प्रैंक, क्या थीम है, कैसी स्टोरी है। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ दादी को कॉल करने उनकी बेस्ट फ्रेंड बन के। एक्चुअली मेरे ना गांव में जहाँ दादी रहती थी, उन्हीं के सामने जो एक आजी रहती थी, हम लोगों की आजी लगी, वो दादी की बेस्ट फ्रेंड है। अब मैंने क्या किया, दादी की फ़ोन में उनका नंबर सेव कर लिया है और कॉल मैं अपने फ़ोन से करूँगी और देखती हूँ कि दादी इस प्रैंक में वो बन पाती हैं या नहीं बन पाती हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मैं फ़ोन स्पीकर पे कर दूँगी, देखते हैं कैसा रिएक्शन होता है। और मैं इनसे आजी की आवाज़ में बोलूँगी। हेलो दीदी। हाँ, भले यहाँ। हाँ हाँ, भले ही। अपन बताओ। हम ये कहा था ये दीदी, कल बिहान उबू कि ना उबू कहाँ यार, उबू ना। अरे आई जाती है छोटकन एक भय पे। कैसे करी का करी है, चलाओ जाओ कैसे करी। अरे आ जाती ना अपने बेटवा के साथे। अरे दीदी तू ना उबू तो अच्छा ना लगे, अच्छा ना लगे। यार बोलता था भाई। हाँ भले यार दीदी। हाँ भले सॉरी। और सब भले आए। बिकुक माई पूछत रहे इनकी दीदी, पता नहीं है बड़की अम्मा आई है कि ना आई है। अच्छा हाँ दीदी, कल बहुत भीड़ भाड़ किए है, बहुत मजे आई है, पर तुम आओगी ही नहीं, बहुत खल जाएगा दीदी। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मेरी दादी प्रैंक हो गया है। वो एक तरीके से इस प्रैंक में आ गई है। उनको बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं बोल रही हूँ, पूरा मान भी गई थी। ये प्रैंक ऑन दादी मिशन पूरा कामयाब रहा। मैं जा रही हूँ उनको बताने, उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा होता है। गाइस, फाइनली मेरी दादी पर प्रैंक हो गया, ये मिशन पूरा कामयाब रहा। और दादी कैसा लगा प्रैंक? अच्छा सही, अच्छा नहीं नहीं अम्मा से सही बताना, पता नहीं चल पाया था ना कि हम पहले बोल रहे हैं शुरू शुरू में। पहले में यही लगा ना कि आज ही बोल रही थी। नहीं हमका लाग होता है। हाँ लेकिन तुरंत में बोल तो रही थी ना, मतलब प्रैंक पूरा बन चुका है, पता नहीं चल पाया था ना। मुझे तो बड़ी मजा आ गई। यस, मेरा प्रैंक कामयाब रहा। तो फिर कैसा लगा प्रैंक बनकर, कुछ दो शब्द कहोगी अम्मा? कैसे यार, तुम जबान को बेटा उसे जल्दी से चला जाए। फाइनली प्रैंक तो पूरा हो गया और दादी मान भी गई थी।
मैंने एक्टिंग अच्छी की थी। हम लेकिन मान तो गई थी ना, हाँ हम कैसे आए दाऊ माई। लेकिन स्टार्टिंग में मान गई थी, हाँ हम कैसे आए, मन तो बहुत है। प्रैंक काम हो गया। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।